दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव सायस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम का लगातार एक्शन जारी है। अब एमसीडी ने नेहरू विहार स्थित कोचिंग सेंटर दृष्टि को सील कर दिया है। एमसीडी ने बताया कि सर्वे के दौरान दिल्ली के नेहरू विहार स्थित टावर नंबर 1, 2 और 3 के संयुक्त बेसमेंट में कोचिंग चलती हुई पाई गई, जिसे सील कर दिया गया है। यह वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहे दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को सील करने की कार्यवाही शुरू की। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। सीलिंग की कार्यवाही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से मौत होने की घटना के बाद 2 दिन बाद की गई। भारी बारिश के कारण मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर जाने से कोचिंग सेंटर का एकमात्र बायोमेट्रिक एंट्री और एग्जिट गेट खुल नहीं पाया था। एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि बाद में बेसमेंट से अवैध रूप में संचालित किए जाने वाले के खिलाफ पूरे शहर में इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा। मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे एक अभ्यर्थी ने बताया कि शनिवार की घटना के बाद ये ज़्यादातर कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बंद कर दी गई है। छात्र ने बताया, मुझे 1.5 महीने में यूपीएससी मेंस की परीक्षा में शामिल होना है और मेरा कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बंद कर दी गई है। मेरी किताबें और तैयारी का सारा सामान लाइब्रेरी में है और अब मुझे वहाँ से अपनी किताबें लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है। छात्र ने बताया, रविवार रात हमें एक संदेश मिला जिसमें कहा गया कि हमें आज सुबह 6 बजे तक अपनी किताबें आदि लाइब्रेरी से ले लेनी चाहिए। मैं सो रहा था इसलिए मैं सुबह तक उन्हें कैसे ले सकता था। यहाँ ज़्यादातर छात्र यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। एमसीडी ने एक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है और दूसरे को टाल दिया। साथ ही ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में जलभराव का कारण बनने वाली बरसाती नालों पर मौजूद अवैध ढांचों को हटाने के लिए सोमवार को अभियान शुरू किया गया। रविवार को नगर निगम ने इलाके में 13 अवैध कोचिंग सेंटर को सील कर दिया था। राव आई स्टडी सर्कल को पुलिस ने पहले ही सील कर दिया है, जहाँ शनिवार को 3 छात्रों की मौत हुई थी।